अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शबे बरात यानी 15वीं शाबान की रात की एक बहुत ही खास दुआ। ये दुआ बहुत ही ज्यादा प्यारी दुआ है। ए मेरे अल्लाह, जो भी ये दुआ पूरी सुनकर आमीन कहे तो उसकी हर परेशानी को दूर फरमा, और जो इस दुआ को दूसरे लोगों तक पहुँचाए तो उसकी हर जायज दुआ को कबूल कर और उसके माँ बाप को जन्नत नसीब फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, ए सारे मखलूक को पालने वाले, ए जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले, ए आसमान और ज़मीन के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसान और जिन्नातों को पैदा फरमाने वाले, ए अर्श अजीम के मालिक, ए फरिश्तों के मालिक, ए इज्जत और जिल्लत देने वाले, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे अजीज बंदे, हम तेरे पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे हाथ फैलाते हैं। ए अल्लाह, हमारी खताओं के माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम हमारे अगले और पिछले, सगीरा और कबीरा, छोटे और बड़े, सारे गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपनी गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, ए परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको दीन ए इस्लाम पर इस्तिकामत नसीब फरमा। ए रब्बुल इज्जत, हमें पुख्ता ईमान वाला बना दे। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, ए पालने वाले, तमाम उम्मत मुस्लिमा को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ए अल्लाह, हमारे दीन ए इस्लाम की हिफाजत फरमा। ए इज्जत और जिल्लत देने वाले, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमें और हमारे वालिदान को बख्श दे। ए अल्लाह, हमारे वालिदान की दुआओं के सदके हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा ले। ए अल्लाह, आज की इस बाबरकत रात को हमारे लिए रहमत बना दे। ए अल्लाह, हमारे तन मन रूह और जिस्म को पाकिजा बना दे। ए अल्लाह पाक, हमें अपने अजाब और रसवाई से बचाना। ए अल्लाह, तमाम मुसलमानों को रिज्क हलाल कमाने की और अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, ए अर्श अजीम के मालिक, ए रब्बे कायनात, हमें आपकी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, हमें 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लम का वास्ता। या अल्लाह, तुझे इस मुबारक रात का सदका हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों का बोल भाला फरमा और दुश्मन का मुँह काला फरमा। हमारे मुल्क से नफरत को मिटा कर चैन और आमन कायम कर। ए परवरदिगार, इस बाबर कतरात का सदका हमें बीमारियों, कर्जदारियों, बेजा मुकदमे बाजियों से बचा, हमें हसीदों के हसद से और दुश्मनों के सर से महफूज फरमा। ए अल्लाह पाक, हमारे दुआओं को शर्फ कबूलियात अता फरमा। ए अल्लाह, हमें बख्श दे, हमारी खताओं को माफ़ कर दे। ए मेरे खालिक, जो भी इस दुआ को सुनकर आमीन कहे और उसे दूसरे लोगों तक पहुँचाए तो उसकी हर परेशानी को दूर फरमा, उसकी हर नेक जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।